भाई पैसे ठीक है। आज जिसने छक्का निकाला ना उसको 5,000 रुपया मिलेगा, और जिसकी गीटी मार गई ठीक है उससे 5,000 रुपया वापस ले लिया जाएगा। ठीक हो गया फिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फनेशन। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला के रहमत करम से हूँ। आज का व्लॉग भाई करना शुरू किया है रात के 8:30 बजे। उसका रीज़न ये था कि आपका भाई ज़रा मसरूफ़ हो गया था, और मसरूफियत के साथ फिर मैं वापस घर आके अम्मा अब्बा को साथ लेके गया था। मैंने सुबह व्लॉग नहीं करना शुरू किया था, तो इस टाइम जो है ना खाना खाने के लिए अभी पहुँचे हैं, और भूख मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो इन्होंने मेरे साथ एक दो काम करने थे, इन्होंने वो किए। बाद में मुझे कहते हैं ग्रिल फिश खानी है, मैंने कहा यार मेरा तो दिल कर रहा है, मैं बाबा की वजह से नहीं खा रहा था क्योंकि बाबा का यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ था, मगर वो जो है ना कहते हैं कि नहीं ये ना वाइट मीट खा सकते हैं कंट्रोल करके। तो अभी बस जो है ना वो सामने BFC के आसपास जो है आए थे ताकि वहाँ से ना ग्रिल फिश खा ली जाए, क्योंकि घर दूर है और हम यहीं पे पास थे, यहाँ से घर लेके जाते हैं तो भाई खाना ठंडा हो जाता है उसका मज़ा कोई नहीं आएगा, और इधर ही इसके पास थे वापडा टाउन वाली साइड पे। फिर अभी हम खाते हैं खाना, ये लोग तो सारे उतर गए हुए हैं क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने पार्किंग ढूंढी है। मैंने कहा यार चलो मैं ना व्लॉग करना शुरू कर देता हूँ, तो फिर जो है ना अभी अंदर चलते हैं फिर देखते हैं आगे क्या खाना पीना, फिर आपको ना मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना हम लोग खड़े हुए, बल्कि ये दोनों खड़े हुए थे और मैं इनके साथ आके खड़ा हो गया हूँ। पता नहीं इन्होंने क्या ऑर्डर किया है क्या नहीं ऑर्डर किया, या करना ऑर्डर कर दिया या करना है अभी कुछ नहीं पता, मैं अंदर से आ रहा कर दिया। और यहाँ पे जो है ना ये कबाब वगैरह लगाने लगे हुए हैं, और इसकी जो इस टाइम कबाबों की लेंथ है ना वो गस कबाब जैसे ही है, अम्बरसरिया वगैरह पे, अम्बरसरिया कह रहा हूँ वो यार, वो कौन सा रेस्टोरेंट है, एक अम्बरसरिया और एक दूसरा करके मुझे बहुत महंगा है, मनो मनो सलवा पता नहीं क्या नाम है उसका। खैर इनके ना कबाब उस तरीके से लग रहे हैं, मगर ये मुझे पता है अभी इसको हाफ कूस करेंगे। और ये यहाँ पे जो है ना ग्रामीण चल रही है कि 250, एक सीट पे दो कबाब है ना, और ना उसकी हालत जो है ना गस कबाब जैसे। और यहाँ पे ग्रिल फिश साथ में बारबेक्यू आ गया, और वो है पूड़ी पराठा काइंड ऑफ थिंग। और अब खाना शुरू करते हैं, फिर आपको बाद में इसका बताएँगे कि टेस्ट किस तरह का है। खैर अभी घर आया हूँ और खाना बहुत मज़े का था, बस फिश ही फिश आपके भाई का खाने का दिल कर रहा था, ऊपर से ग्रिल फिश। अब मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं एक तो यार टिकटॉक ही बना लूँ, टिकटॉक बनानी आजकल शुरू की हुई है। तो ये देखो भाई इधर बाथरूम में आके बनाने शुरू करने लगा मैं टिकटॉक, देखते हैं बनाता हूँ कि नहीं बनाता। शलवार कमीज़ यार पहने थे तो मैंने कहा अच्छे चलो अच्छे कपड़े पहने हुए, रोज़ रोज़ जो है आगे वैसे यूनिवर्सिटी खुलने लगी है तो फिर तो जो है रोज़ ही आपको भाई तैयार होता है, फिर रोज़ बन जाया करेंगी उसका मसला नहीं। अभी क्योंकि छुट्टियां चल रही थी तो कहीं जाना कहीं आना, तो फिर जो है ना तैयार होके या बहुत कम होता था कि तैयार होके बना लेनी। खैर अभी बस यही है करने को, फिर आपको मैं बाद में मिलता हूँ। होपफुली मैं सुबह जो है व्लॉग कंटिन्यू करना शुरू करूँगा, अभी बस टिकटॉक बनाते हैं। और ओके टाटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये व्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कल बस खाना खाने वगैरह चले गए थे, उसके बाद आगे मेरी टिकटॉक वगैरह बनाई थी और फिर बस। तो बाहर जो है ना अभी मैं देख रहा था कि आज जो है मौसम ज़रा बेहतर हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़नी दोबारा से शुरू हो गई थी कि AC बंद करने का बस दिल किया ही था, दोबारा से जो है ना बहुत ही ज़्यादा किस्म की गर्मी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अब जो है थोड़ा बहुत मौसम जो है ज़रा बेहतर हो गया, ये देखो बादल भी बने हुए हैं। मैं तो दुआ यही कर रहा था कि भाई बारिश हो जाए वही ज़्यादा बेहतर है, पर सही मेड ने जो है मौसम भी इस किस्म का था कि कपड़े धुले थे उसको मेन एंट्रेंस के बाहर रख दिया क्योंकि उन्होंने पता ही छुट्टी जाना था, तो वो ना इस तरह छाँव में रख के चली गई। फिर अभी जो है बस बाहर ज़रा वॉकशॉप करते हैं, इसको कपड़ों को अंदर रखते हैं क्योंकि अम्मा की तबीयत ज़रा सेटल डाउन नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है ना हमें 2-4 छोटे छोटे काम जो है घर के भी करने पड़ते हैं। ऊपर से अब मेड दोनों ही जो है ना छुट्टी चली गई हैं, वो कल परसों ही आएगी, तो तब तक जो है अम्मा के साथ भी हेल्प करानी हमें पड़ सकती है। इनको अभी उठाते हैं और अंदर ले कर चलते हैं। मौसम बाहर अच्छा हुआ वह तो बाहर ही बैठ गया था। अभी यार खाना गर्म करने के लिए ज़रा आए हूँ, भूखो भूखो आ गई, ना सुबह का नाश्ता किया मैंने कुछ किया, और इसको ऐसे ही माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। और रोटी जो है ना दोपहर की बनी हुई एक्स्ट्रा जो है पड़ी होती है साथ में वही गर्म कर लेंगे, इसमें जो है ये मैंने ही बाइट ली हुई है तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। अम्मा ने बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, चिकन वाला सालन बनाया हुआ है, चिकन 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 चिकन, तो वो खाएँगे हम लोग। और
अभी जो है ज़रा गर्म करते हैं इसको, ऑन कर देते हैं। और साथ में यार काले चने किस किस को पसंद है? आपके भाई को ज़रा काले चने पसंद है और वो भी अभी खाए थे। खैर अभी हम खाना अपना गर्म कर लें, फिर जो है ना खाना खाते हैं, उसके बाद कोई ना गेम वगैरह खेलते हैं मामा के साथ। मामा की ज़रा तबीयत भी नहीं ठीक, उनका भी ज़रा माइंड फ्रेश होगा, फिर आपको मिलता हूँ मैं। खाना खा के मैं चला गया था एटीएम। एटीएम में से मैंने आज एक हरकत की है, अभी मैंने मुश्तबा और मामा के साथ जो है ना खेलनी है लूडो, और मैंने इनको पता है क्या लालच दी है, ये मैं निकला के आया हूँ पैसे, ठीक है। आज जिसने छक्का निकाला ना उसको 5,000 रुपया मिलेगा, और जिसकी गीटी मर गई ठीक है उससे 5,000 रुपया वापस ले लिया जाएगा, ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे कि ये जो है ना कौन गेम जीतता है और कौन सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है, समझ आ गई है। 2,00,000 रुपया मैं निकलवा के लाया हूँ, ठीक है। अब उसमें से हमने ये गिनना है कि भाई किसके पास कितने पैसे आते, ठीक है। फिर वो बंदा खाना खिलाएगा, ये बात याद रखना। क्यों? मैं तो नहीं खाती। ये देख लो, ये मेरे पास है, ठीक हो गया। और पूरे ये हैं 40 नोट, गिने हुए 40 नोट हैं, ठीक है। अब जिसने 6 निकाला, चीटिंग नहीं करनी। मुश्तबा देखो, वो 6 आ गया, मुश्तबा 6 आ गया, 10 नोट मेरे, 5 तुम्हारे और 5 नहीं, अकाउंट मैंने ना रखना, इसका 6 आ गया। चलो 6-5, ये 5,000 रुपया भाई आपका। आज देखते हैं दिहाड़ी किसकी सबसे ज्यादा लगनी है और वापसी कैसे होंगे ये पैसे, और जो गीटी मर गई उसके ये बात, ठीक हो गया। 6, मेरा भी 6 आया, 6-2 इसका, हाँ 6 आया है, मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है यार। और अब देखते हैं कि कमाई भाई कौन सबसे ज्यादा करता है यार। 6-2 आया मेरा, ठीक हो गया। उस पर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 6-2 जो आया था मेरा वो चला ही नहीं था मैंने, फिर 6 मामा ये लगा के अंदर खेल रहे इतनी इसका ये अच्छा। किसी पे ना इल्जाम नहीं लगाते, 5 इल्जाम नहीं तो भाई ये देखो 10,000 रुपए की दिहाड़ी, कसम से मामा मरते जानी है, मैंने पैसे वापस लेने हैं 5,000 करके, ठीक हो गया ना। ये फिर सही शुगर लगेगा एट द एंड ऑफ द गेम किसके पास सबसे ज्यादा पैसे निकलते हैं। ये होगा 1, 2, 3 मुस्तफा से सारे। और ये जो है ना ये असल खाता यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है, और फिर हम देखते हैं कि किसकी बारी जो है ना सबसे ज्यादा किसकी इस गेम में दिहाड़ी लगती है। ना कोई ये शर्त है ना कुछ है, 6 निकालो 5,000 रुपया ले लो, ठीक हो गया। मामा का भी 6-1 आ गया, ये लो जी आपके भी। इसके 5,000 रुपया वापस रखा है अपना, मेरा निकला हुआ है। तो मरी नहीं है आपकी गीटी? मार दी है गीटी, 6-1 से मरी है। ओ भाई ये तो मेरे साथ फुद्दू खाता, नहीं मुझे नहीं पता लगा, मैं व्लॉग बना रहा था, वाकई में मुझे नहीं पता लगा। व्लॉग ही बनाते रहो। ओ भाई यार यहाँ पे मेरे साथ ही जो पैसे बांट रहा है ना, जो पैसे बांट रहा है उसी के साथ असल प्रैंक हुआ है। 5,000 की दिहाड़ी इसकी है, 5,000 की, 10,000 की दिहाड़ी, 10,000 की। और आपने कितने ले लिए? 5,000 इसका वापस, 15,000 रुपया भाई ठुक गया मुझे। खेलते खेलते व्लॉग करते करते यार ये वैसे ना मेरे एकदम जेन में आया, अब इनके साथ ना खेलने लगा हूँ। और भाई जो जीतेगा वो ट्रीट देगा, आइसक्रीम की ट्रीट, बाकी सारे पैसे आपके, ठीक है ना। फिर आपने कहना है जो हमें जो मर्जी वो खिलाए। नहीं यार स्वीट क्रीम से कौन, 6 मामा ये मुझे लग रहा है लगा के खेल रहा है, 2, 6, 10,000 रुपया लग गया, 3, 6 बहुत अच्छा हुआ है, 2 कुछ भी नहीं, ज्यादा ही शोखे हो रहे थे ना, ज्यादा ही शोखे हो रहे थे। 5 जिसने इनाम देने का सोचा था ना इनको, ठीक है उसके खुद के पास 5,000 रुपया कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये यहाँ पे पैसे पड़े हुए, आगे पास कितनी दिहाड़ी लग गई है? ऑनेस्ट टाइम है, ऑनेस्ट पर्सन मेरी मरी है, 5,000 रुपए ले लो। मर गई है? हाँ, 3 से मरी। ये कब हुआ है? चलो आप बताओ कितने पैसे। अच्छा 6, 6, 3 ये जो 5,000 रुपया आए ये आप ले ले यार, ये सही गेम है। कितने पैसे हो गए जी? 5, 10, 15, 20 आपके पास कितने हो गए? 25 हो गए उनके पास। 10, 15, 20, 25, 30,000 रुपया तुम्हारे पास? 20, 30 मामा के पास, 20 मेरे पास। बाकी जितने पैसे बच गए वो आपके भाई के पास खुद ही रहेंगे, और कुछ भी नहीं है चलना। 2 और 3 मगर यार ये इंटरेस्टिंग गेम हमने बना ली। 6, 6, 4 ठीक है, ये 5,000 आ गया मेरे पास, और ये 4 गिड़ियाँ जो है ना सबकी पुगने वाली हैं। मामा की बस जो है बाहर है,
मेरा जो है दो आना और मेरी पुगजा नहीं है, और मुश्तबा का जो है छः आया था, इसका छः का फ़ायदा कोई नहीं है, छः दो छः कोई ज़रूरत भी नहीं। और सबसे ज़्यादा दिहाड़ी लगी हुई है मामा की। मामा ज़रा अपने पैसे गिन के बताएं कितने पैसे कमाए हैं। ये मुश्तबा ज़रा गिनी, मुश्तबा आपके पास कितने हैं? पाँच, एक दो तीन चार, ओए पाँच छः, 65,000 63,000 रुपया, दस हाँ जी 5740। हाँ चलो देखते हैं, अभी मैंने उसको गिना नहीं, मैं अपनी बारी कर लूँ। एक आया मेरा 25, और मेरे पास भाई टोटल 10,000 है। टोटल मेरी इतनी दफ़ा गीटी मारी है इन्होंने, 35,000 कितने हैं? 35,000 है। तुम्हारे पास कितने यार? आप लोगों ने सही, हाँ तो तीन ही है, इतना क्या हो गया? अभी नहीं पुगी, अभी देखते हैं किसकी पहले पुगती है। ये देख लो भाई मेरी पुग गई, मैं जीत गया गेम। वो अलग बात है, पैसे सबसे ज्यादा कम मेरे पास आए हैं। कितने पैसे हुए हैं? जीत गए 20,000। मामा हमारे पास कम पैसे हैं मगर गेम हम जीते हैं। नहीं नहीं मामा, ये अब आप रखे ही है आपको, ये मेरी तरफ से आप, नहीं 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 नहीं, उधर जो है ना वो पीएफ चैंग में डिनर कर लेना। इसने 20,000 रुपया जो है ना कमा लिए। क्या लेना वैसे तुमने? क्या देखूंगा क्या करना, हो सकता है ना कोई चीज लूं, रख लूं वैसे ही रख लोगे या कोई जो है जाके कपड़े कपड़े लोगे? में अच्छे लगते हैं कपड़े, तो मैंने ले लिए थे, तो बस ये अब वैसे ही पड़े रहेंगे। भाई इसने जो 20,000 रुपया कमाया है ना आधे घंटे में, वाह ऐसी जो है ना, क्या दो हफ्ते? नहीं यार दो हफ्ते नहीं, ये दो महीने का पॉकेट मनी होती है। मेरा नहीं होता ना, आपको पसंद? तो मतलब ये तुम्हारी जो है बस दो हफ्ते की, आगे यूनिवर्सिटी खुल रही है, मतलब तुम यूनिवर्सिटी में यूज करोगे ये पैसे? हाँ अभी ये 10,000 इस हफ्ते हो जाएगा। हाँ और 10,000 अगले हफ्ते हो जाएगा। तो भाई अगर थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करो तो महीना भी निकल सकता है इसमें, तो यार अपने खर्चे भी तो होते हैं। आए चलो फिर जो है ना हम बाद में आपको मिलते हैं, इसका तो डिसाइड हो गया कि भाई इसने क्या करने इतने पैसे। मुश्तबा जो तुमने 20,000 रुपए, ये देखो बटन खुला हुआ था। आए बेटा ये तो व्लॉग बनेगा यार। मुश्तबा तुमने जो 20,000, मेरी एक बात सुनो, मेरे से बदतमीजी ना करो, जो तुमने 20,000 रुपया लिया उसमें से 5,000 उधारा मिल सकता? यार 5,000 रुपया देना मुझे जरा उधारा, 5,000 रुपया देना। हम जरा मामा को देखते हैं, मामा बड़ी भाई, मामा ने इतनी 35,000 रुपये की दिहाड़ी लगाई है ना, 50,000 रुपया मुझे ठुके। अब इधर इनको देखते हैं क्या करें, मामा पता नहीं कॉल पे बात कर रही हैं और हम अभी यहाँ घूम रहे हैं। बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और 2,00,000 रुपया भाई लेके आया था, शुक्र है उसमें से जो है ना बचत हो गई, बाकी वापस डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा छोटा सा, तो इंशाल्लाह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे एक नए दिन में, एक नई सुबह में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।